और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्व हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना। अल हिंद बल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है।
अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा, और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है
जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है। हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है।